नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बलिया जनपद के नगरा ब्लॉक के खनवर गांव स्थित खाकी बाबा मंदिर परिसर में नौ वर्ष के दिन घूमने आए लोगों के साथ बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने किया नौ वर्ष सेलिब्रेट। विधायक जी के साथ सेल्फी लेने वालों की लगी रही भारी भीड़। नए साल की आप सबको भी ढेर सारी शुभकामना, क्योंकि ये नगरा ब्लॉक में ये ग्राम सभा खनवर है और यहाँ पे ये श्री खाकी बाबा जी का एक मंदिर है, उन्हीं का प्रांगण है और प्रत्येक साल यहाँ पे मतलब नौ वर्ष के प्रथम दिन, वैसे तो लगभग सालों साल यहाँ पे तमाम अगल बगल के जनपदों के भी लोग, पूरे अपने अपने जनपद के लोग, तमाम लोग यहाँ पे मतलब आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन ये है कि ज़रूर ये आज पहले दिन, साल का जो पहला दिन होता है, उस दिन चूँकि बहुत अत्यधिक भीड़ होती है। हालांकि लगातार प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, मेरे द्वारा भी बार बार यहाँ पे उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जो सरकार की एक पॉलिसी है कि कोविड 19 के मतलब जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन किया जाए, उसका प्रयास किया जा रहा है। अगर देखिए पूरे वहाँ मेन रोड से जाम है, लेकिन वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं, तो ये चूँकि ऐसे परम पूज्य श्री खाकी जी बाबा का ऐसा एक लोगों के मन में विश्वास है कि साल के प्रथम दिन वो लोग जरूर आकर के इनका दर्शन करते हैं, कि चूँकि ये हमेशा परंपरा चलती आ रही थी। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि वो उसमें पिछली बार जब हम शादी कराए थे 2017 में, तो 351 शादी कराए थे, जिसमें IBO वगैरह या LIO ने 7-8 लाख की भीड़ की मतलब गणना की थी। इसलिए अभी मुझे लगता है कि जब तक हम कोरोना से पूरा हमारा देश और सरकार जब तक इसको छूट न देते कि नहीं, अब कोई भी आप कार्यक्रम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है तब तक तो लोगों को इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं जब तक हूँ, अभी भी जो उस तरह के गरीब हैं, अगर वो अपने घर पे भी शादी कर रहे हैं, तो मैं जा करके उनकी पूरी मदद करता हूँ, उनकी बेटी को अपनी बेटी मान करके उसके साथ में खड़ा रहता हूँ। तो इस तरह से मेरे मन में एक आस्था है कि गरीब परिवार की कोई भी बेटी या गरीब परिवार कोई भी अपनी बेटी की शादी के लिए चिंतित ना हो, पूरी तरह से मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।